क्लास, मेरा नाम कौशल नदिया और आपके साथ मैंने लास्ट लेक्चर डिस्क्राइब किया था साइंटिफिक मेथड। उसमें मैंने आपको दो टॉपिक बताए थे, सबसे पहले क्या था हाइपोथेसिस, सेकेंड वन क्या था डिडक्शन। ठीक, आज हम तीसरा डिस्क्राइब करेंगे एक्सपेरिमेंट। ठीक, एक्सपेरिमेंट क्या है कि हम जो अपना हाइपोथेसिस है वो डिफरेंट, हम उस पे मतलब अगर कोई एक हम हाइपोथेसिस बयान कर रहे हैं तो उस पे क्या है कि डिफरेंट एक्सपेरिमेंट होंगे, उस पे मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट होंगे, किस पे हाइपोथेसिस पे। ठीक, एक अगर हाइपोथेसिस है तो उसको हम किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, बाय परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, सबसे पहला हाइपोथेसिस है कि हाइपोथेसिस वन कि दो ट्विन हैं अली और इमरान। ठीक है, वो जो है क्या करते हैं कि अपना लंच जो है वो एक बजे वाली क्लास से पहले पहले करते हैं। ठीक है, अब इस पे हमने एक्सपेरिमेंट वन देना है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट कौन सा होगा, हाइपोथेसिस वन क्या है, ट्विन क्या है, ईट लंच बिफोर 1 o'clock क्लास। ठीक है, इससे पहले पहले आपने क्या कहते हैं लंच खाते हैं। तो इसमें जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या कह रहे हैं कि अली ने जो है अपना जो लंच है वो पोस्टपोन कर दिया, मतलब डिले कर दिया है, 2 बजे वाली क्लास के एंड तक वो क्या कहते हैं अपना लंच डिले कर देता है, वो खाता नहीं है। लेकिन जो इमरान है वो अपना लंच क्या कहता है खाता है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट है हाइपोथेसिस वन का, अली ने अपना लंच क्या किया पोस्टपोन, जबकि इमरान क्या है वो खा रहा है। ठीक, अब जो इसका प्रिडिक्टेड रिजल्ट होगा वो क्या होगा कि जो अली है वो मतलब के लेस स्लीपी होगा, मतलब उसको इतनी नींद नहीं आ रही होगी, जबकि इमरान जो है वो उस क्लास में सो रहा होगा। ये इसका रिजल्ट है प्रिडिक्टेड। ठीक, के प्रिडिक्टेड रिजल्ट में क्या है, अली जो होता है वो मतलब जाग रहा होता है, अलर्ट रहता है, जबकि इमरान क्या है वो सो रहा होता है उस क्लास में। हाइपोथेसिस टू क्या है, हाइपोथेसिस टू जो है वो ये है कि जो दोनों है ट्विन्स उस क्लास में जो होते हैं वो सो रहे होते हैं, क्योंकि वो जो है वो उस रूम के बैक बेंचेस जैसे होते हैं, बिल्कुल बैक पे बैठे होते हैं। ठीक है, ट्विन्स आर स्लीप because they sit ठीक बिल्कुल के क्लास के पीछे बैठे होते हैं, इस वजह से जो है वो सो रहे होते हैं। ये दूसरा हाइपोथेसिस है। इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या है कि अली जो होता है फ्रंट पे चला जाता है, अली मूव्स ऑन फ्रंट, तो उसका जो प्रिडिक्टेड रिजल्ट है वो क्या होगा कि अली जो होता है वो अलर्ट होगा, अली
अली मोर अलर्ट देन इमरान। ठीक, ये जो है वो एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। ठीक है, अच्छा फिर क्या करते हैं कि वो जो होते हैं दोनों भाई मतलब ट्विंस जो होते हैं वो सुबह सवेरे सवेरे जल्दी उठते हैं, इस वजह से भी कि वो 1 बजे वाली क्लास में क्या है उनको नींद आनी शुरू हो जाती है, या फिर क्या है कि वो पहले खाना अपना 1 से पहले नहीं खाते तो फिर भी जो है वो सो जाते हैं। तो ये क्या है, एक नेचुरल फिनोमेना है कि उनको इस टाइम पे जो है वो नींद आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, ये नेचुरली उनके साथ हो रहा होता है। इसके बाद जो है थ्योरी, डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी, मतलब हाइपोथेसिस को हमने अपने प्रूव करने के लिए उसको करेक्ट साबित करने के लिए क्या करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक बच्चे, उसके बाद क्या आता है, डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी। जब एक हाइपोथेसिस को डिफरेंट टेस्ट के साथ डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के साथ जो है हम चेक कर रहे होते हैं, जब उसको टेस्ट किया जाता है तो उसके बाद क्या होता है, एक थ्योरी बनती है। ठीक है, थ्योरी क्या होती है, वो डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस के तरीकों के बाद ही, मतलब हम डिफरेंट उस पर टेस्ट करते हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो तब ये हमारे पास एक थ्योरी आती है। ठीक है, बहुत से साइंसदान जो है वो अपने जो आइडियाज जो है वो अपनी पब्लिकेशन में या सेमिनार में दे रहे होते हैं। ठीक है, कि मतलब एक हाइपोथेसिस है तो उसके बारे में डिफरेंट अपनी ऑब्जर्वेशन दे रहे होते हैं, वो के ऑब्जर्वेशन किस किस टाइप की है, अगर वो ऑब्जर्वेशन जो है वो एविडेंस को के साथ जो है मतलब साबित हो जाती है, उसको करेक्ट माना जाता है, तो उसके बाद थ्योरी जो होती है वो बनती है। ठीक है, अगर उनके ऑब्जर्वेशन जो है वो ट्रू होंगे, मतलब उनका जो एक एविडेंस है वो ट्रू होगा, तो उसके बाद क्या है वो थ्योरी जन्म लेती है। ठीक बच्चे, ये ऑब्जर्वेशन जो है आपने हर कोई पब्लिकेशंस में दे सकता है या सेमिनार या जो भी है अपनी डिफरेंट तरह से वो अपने आइडियाज शो करते हैं। के बाद थ्योरी के बाद क्या आता है, साइंटिफिक लॉ। जब उस थ्योरी का थ्योरी है ब्रॉड स्कोप ऑफ एप्लीकेशन, मतलब के अगर वो थ्योरी उसकी ज्यादा एप्लीकेशन है, उसके ज्यादा इस्तेमाल है ब्रॉड स्कोप पे, मतलब ज्यादा वो फैली हुई है, तो उसके बाद क्या एक साइंटिफिक लॉ बनता है। ठीक है, ये साइंटिफिक लॉ जो होते हैं वो मतलब बहुत कम ही होते हैं, रेयर ही होते हैं। क्यों, क्योंकि जो है वो थ्योरी पे आके या हाइपोथेसिस को ज्यादातर रॉन्ग ही हो जाते हैं, लेकिन जो कम अज कम जो साइंटिफिक लॉ दिए गए हैं वो एक जूलॉजी या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या जो है हार्डी वेनबर्ग बर्ग लॉ। ठीक, ये जो है वो साइंटिफिक लॉ दिए गए थे। इसके बाद नेक्स्ट एक टॉपिक आपको स्टार्ट करवाती हूं, इवोल्यूशनरी वननेस एंड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ।
पता है कि बहुत ही बिलियंस ऑफ टाइम से स्टार्ट है। आपको पता है कि अर्थ जो है वो काफी अरसे से ही पैदा हुई है, काफी बिलियंस साल पहले जो है वो अर्थ को क्रिएट किया गया था, ठीक है। उसके बाद मुख्तलिफ साइंसदान का जो है वो कहना है कि जो स्पीशीज है वो किससे ओरिजिनेट हुई हुई है, अपने इंसेस्टर से, ठीक है। इंसेस्टर्स आपको पता है कि अब्बा और अजदाद जो जिनको कहते हैं, ठीक। उसके बाद साइंसदानों ने कहा हुआ है कि एक ट्री टाइप जो है इवोल्यूशनरी ट्री होता है, ठीक है, उसकी जो टिप पे होती है ना वो स्पीशीज होती है, और उस स्पीशीज का ताल्लुक क्या होता है, डिफरेंट अपने इंसेस्टर से होता है, और वो इंसेस्टर जो है वो काफी अरसे पहले जो है वो जमीन पर पाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद जो कॉमन इनका बहुत ही पुराना इंसेस्टर देखा गया है वो प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक। साइंसदानों को ये भी कहना है कि ये प्रोकैरियोट्स जो हैं वो भी डिफरेंट स्पीशीज के क्या हैं, इंसेस्टर्स हैं। मतलब एक है जेब्रा फॉर एग्जांपल, जेब्रा या हॉर्स, इनका क्या है एक कॉमन ही इंसेस्टर्स होगा, लेकिन ये डिफरेंट स्पीशीज क्यों साबित की गई है, क्योंकि इनके अंदर एवोल्यूशन हुई है, इनके अंदर डाइवर्सिटी पाई गई है, क्योंकि जो है एवोल्यूशन का मकसद ही यही होता है कि वो कहां से मूव करती है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ। मतलब कि इसका ये मतलब है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम कि स्पीशीज के अंदर मॉडिफिकेशन आनी शुरू हो जाती है, ठीक है, उनके अंदर डिफरेंट जो है करेक्टर वो आने शुरू हो जाते हैं जो कि उनके इंसेस्टर्स में नहीं होते, इसलिए इसको एवोल्यूशन कहा गया। इसके बाद डार्विन का जो एवोल्यूशन के बारे में कंसेप्ट है वो भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। कंसेप्ट ऑफ डार्विन अबाउट वननेस एंड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। डार्विन ने जो है अपनी बुक में दो मतलब ऑब्जेक्टिव है उसने अपनी बुक में डिस्क्राइब किए गए हैं। उसकी जो बुक का नेम है वो क्या है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। इस बुक में इसने जो है दो तरह के ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा है, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव उसका क्या था, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, ठीक है। डार्विन का क्या कहना है कि जो स्पीशी है वो किससे इवॉल्व हुई है, अपने इंसेस्टर से, ठीक है, और इसको उसने क्या नेम दिया, डिसेंडेंट विद मॉडिफिकेशन, के एक स्पीशी है वो किससे निकली है, ओरिजिनेट किससे हो रही है, अपने इंसेस्टर से, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है उसका सेकंड मतलब वो ऑब्जेक्टिव कौन सा था, नेचुरल सिलेक्शन, जो सेकंड है वो नेचुरल सिलेक्शन है। नेचुरल सिलेक्शन में क्या उसने डिफरेंट पॉइंट्स बताए हुए हैं, सबसे पहले क्या है जो इंडिविजुअल है, फर्स्ट जो है
ऑपरेशन वेरी इन हेरिडिटरी ट्रेड्स. क्या है जो एक पॉपुलेशन है मतलब उसमें डिफरेंट स्पीशीज आ जाती है, उसका जो इंडिविजुअल है वो दूसरों से किस तरह वेरी कर रहा है, किस तरह वो मुख्तलिफ है हेरिडिटरी ट्रेड्स के अंदर. मतलब है ट्रेड्स मैंने आपको बताए थे जीन्स, जीन्स की तरह जीन्स की वजह से वो क्या है दूसरे इंडिविजुअल से डिफरेंशिएट कर रहा होता है. दूसरा क्या है कि ये जो इंडिविजुअल है वो प्रोड्यूस करते हैं लार्ज नंबर ऑफ स्पीशी. ठीक है, और थर्ड वन कौन सा है कि अगर एक स्पीशीज है वो एक पॉपुलेशन बना रही है तो इन्वायरमेंट क्या उनको सपोर्ट कर रहा है फूड के लिहाज से जो है. ठीक, और उसके बाद उनके स्पीशीज के दरमियान एक कंपटीशन बन जाता है. कंपटीशन क्यों होता है, क्योंकि उनकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज कर रही होती है. ठीक, अच्छा लास्ट वन पे यही बता रहे हैं कि डार्विन ने कहा है कि स्पीशीज के दरमियान या तो यूनिटी हो सकती है या उनकी डाइवर्सिटी हो सकती है. यूनिटी इस वजह से हो सकती है कि वो एक कॉमन एंसेस्टर से प्रोड्यूस हो रहते हैं, या डाइवर्सिटी किस वजह से है कि उनके जो मतलब हेरिडिटरी ट्रेड्स हैं वो वेरी कर रहे होते हैं. इस वजह से स्पीशीज के दरमियान क्या है, या तो यूनिटी पाई गई है या वो दूसरों से क्या कर रहे हैं डाइवर्सिटी भी वेरी कर रहे होते हैं. ठीक है बच्चे, ये टॉपिक था. इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं ऑफिशियली भी या पर्सनली भी. अल्लाह हाफिज़.